गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से, मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे एक बार पुनः आप सबसे मुखातिब हूँ और विशेष चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए, ये मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न राशि से भी देख सकते हैं और लग्न राशि चंद्र राशि दोनों में कोई नहीं मालूम तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, अभी मैं क्या चर्चा करने वाला हूँ और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए मित्रों, सावन का महीना, श्रावण मास जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा की जाती है, कांवर वाले पूरे महीने कांवर चढ़ाते हैं और विशेष अनुकंपा भगवान शिव की होती है, तो ये सावन का महीना अब की बार 22 जुलाई सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा, 19 अगस्त को भी सोमवार। तो ये बरसों बाद ऐसा हो रहा है कि सावन का महीना सोमवार को ही शुरू हो और सोमवार को ही समाप्त हो। तो मित्रों, ये महीना इस समय बहुत विशेष लाभकारी, शिव भक्तों के लिए विशेष लाभकारी। और तो कुछ राशियां हैं भाई ऐसी जो कि शिव भक्तों के लिए वो राशियां जो हैं बहुत लाभ पहुंचाएंगी, बहुत ज़्यादा। देखिए, एक राशि ऐसी राशि है मैं जो समझता हूँ कि जो बहुत जो लाभ पाएगी, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा जिसको, उसकी चर्चा करूँ मैं। देखिए, नाम बताऊँगा बाद में, पहले चर्चा करूँ कि एक राशि जो कि विशेष कृपा पा रही है, किसकी? भगवान शिव की, माता लक्ष्मी की, और देखिए बृहस्पति गुरु की, और देखिए शुक्र की, और बुध की, और सूर्य की। तो वो देखिए, उस राशि के लिए ये महीना बेहद शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है, यानी अत्यंत लाभदायक है। धार्मिक में इस राशि के जातकों को बहुत विशेष लाभ होने वाला है, यानी भगवान शंकर आपके ऊपर इतने मेहरबान और कृपावान हो गए हैं कि पिछले समय से अधिक जो जीवन की समस्याएं थी वो सब दूर हो जाएंगी। परिवार के साथ ये सब खुशी रहेंगे, आर्थिक स्थिति ठीक होने वाली है। इस राशि वालों के लिए सावन का महीना विशेष भोलेनाथ की कृपा पाने वाला है, आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली महीने कहा जा सकता है। इस राशि के लोगों को चारों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ प्राप्त होने वाली है, चौतरफा धन की बारिश होने वाली है, ज़बरदस्त धन योग है, महाशुभ योग है। यानी इस राशि के वालों को जीवन में जितनी भी समस्या थी, अब समस्या समझ आएगी नहीं, मानसिक शांति मिलेगी और घर परिवार खुशियों का माहौल रहने वाला है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। पूरा सावन का महीना जो, अरे ये देखिए, ये सावन का महीना 29 दिन का सावन का महीना, सोमवार से सोमवार धन लाभ लेने वाला है। बिजनेस करने वालों को बिजनेस मिलेगा, पैसा जो बिजनेस में लगाया वो सब लाभ देगा और बहुत ही प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन होगा, बेहतर वृद्धि होगी। अगर आपका ट्रांसफ़र हुआ तो तरक्की के साथ बहुत अच्छी जगह होगा, तो लाभ ही लाभ मिलने वाला है नौकरी में या कहीं। संतान की खुशखबरी प्राप्त होगी, संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा। हाँ दोस्तों, आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी, भगवान भोलेनाथ का विशेष अभिषेक कीजिए जल में दूध मिला करके, और देखिए शहद से दूध से अभिषेक करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा आपको। भगवान प्रकृति का, भगवान शिव का पूरा आपको ऐसा माहौल मिलेगा जो आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। तो ये राशि देखिए मेष राशि, मेष राशि के जातकों को ये जीवन में देखिए ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। व्यापार वर्ग के लोगों को मुनाफा मिल सकता है और देखिए अपना नया मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो लाभ होगा। परिवार के सभी संपूर्ण परिवार के आपके जो वृद्ध लोग हैं सब सहयोग हो जाएगा, आपका बहुत ही सुंदर मतलब लाभ हो रहा है। अब देखिए अगली एक राशि बताऊं जिसके लिए भगवान शिव भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, उसके भगवान शिव का विशेष कृपा होगी। उस राशि के बारे में बता दूँ कि इस राशि के जातकों को भी श्रावण मास लाभकारी सिद्ध होगा, यानी आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलेगी। और इस राशि वालों को सावन का महीना जो है
धन लाभ का, विशेष धन लाभ का, धन लाभ के प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। व्यापार में, व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिल सकती है। नौकरी करते हैं उनको पद में उन्नति मिल सकती है। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनको भी लाभ मिल सकता है, या जो पढ़ना चाहते हैं विदेश में वो विदेश जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों को बड़ी कामयाबी हासिल होगी। इन व्यक्तियों को नौकरी में विशेष लाभ होगा और विशेष तरक्की की संभावना बन रही है। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनको तो बहुत ही लाभ होगा, या पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत सक्सेस मिलेगी। साथ ही साथ आपको देखिए, इस ध्यान लीजिए आप कि आपकी आय में वृद्धि होगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में तरक्की मिलेगी, मुनाफा ज़्यादा संभावनाएं मिलने की। साथ ही साथ देखिए, जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो भी कार्य सफलतापूर्वक उस कार्य को संपादन करेंगे, सारे कार्य में आपको ख़त्म होने पर कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए, या व्यापार वालों के लिए भी प्रमोशन मिलेगा। तो सावन का महीना बहुत ज़बरदस्त, यानी 22 जुलाई से 19 अगस्त तक आपकी सारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। देखिए, और आपको विशेष बाहर जाने के, नौकरी के, व्यापार के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। पद में उन्नति, वेतन वृद्धि तो होनी होनी है, मतलब पूरी संभावना है कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपको कि आप दूसरों की भलाई के लिए करेंगे जो काम, उसमें भी मुनाफा होगा, आप वो काम भी लाभ ही देगा। तो ये राशि है देखिए मकर। अब अगली राशि को बताऊं कि अब जो अगली राशि है वो कौन सी राशि हो सकती है। मकर राशि हो गई और सिंह, अब वो राशि हो गई, मेष राशि हो गई। अब एक राशि है उस जात के, राशि के जातकों के लिए सावन का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन में खुशियाँ छाने वाली हैं और भगवान शंकर की विशेष लाभ मिलने वाला है। भगवान सूर्य का विशेष लाभ मिलने वाला है, बुध का, बृहस्पति का विशेष लाभ मिलने वाला है। ऐसी राशि पर सबकी कृपा मिल रही है, लक्ष्मी की कृपा मिल रही है और सावन का महीना बेहद ही फायदेमंद होगा और लाभकारी साबित होगा। देखिए, इस राशि के लोगों को भगवान भोलेनाथ पर शहद और काले तेल से पूजा करनी चाहिए। और आपको देखिए, खबर मिलेगी आपको कि आप बड़े बड़े सुंदर योग बन रहे हैं आपके जीवन में। बाहर से अच्छी खबर मिलेगी, सरकार से अच्छी खबर मिलेगी, पार्टी पॉलिटिक्स में अच्छी तरक्की होगी, व्यापार सरकारी काम सबसे अच्छा रहा होगा, मेहनत का फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल प्राप्त होगा। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको इतना लाभ मिलेगा आपको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। अब देखिए, आपका परिवार में, दोस्तों में, सब जगह आपका दबदबा बना रहेगा। और देखिए, आपके भगवान शिव की अनेकों कृपा के अनेकों अवसर मिलेंगे। धन संबंधी परेशानी दूर होगी, मुश्किलें दूर होगी, धन आएगा, धन प्राप्ति के अनेक अवसर मिलेंगे, नए नए काम मिलेंगे और मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। भगवान भोलेनाथ का दुग्ध से अभिषेक करिए और उन पर काले तेल चढ़ाइए, शह चढ़ाइए। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, साथ साथ वेतन वृद्धि भी होगी और रुका हुआ का धन मिलेगा। सावन माह का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको सब तरह से कर्जों से, रोग ऋण से मुक्ति मिलने वाली है। मन प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, साथ ही साथ आपको भी शुभ समाचार मिलेगा, संतान से भी अच्छा समाचार मिलेगा। भगवान की, भोलेनाथ की कृपा वाली राशि जो है ये है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा, सुखी सुख रहेंगे, अपार सुख मिलेगा, जीवन बदल जाएगा मित्रों। और देखिए, अब एक राशि और बताऊं। इस राशि के जातकों को देखिए, सावन के महीने में, सावन का पवित्र महीना बेहद ही सुखद परिणाम देने वाला है। इस राशि के लोगों को भगवान शिव की कृपा से, देखिए सावन के महीने का समय इस राशि के ऊपर धन की वर्षा करने वाला, इस राशि के लोगों को झोलियों में खुशियां भरने वाला, संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से नौकरी में तरक्की मिलेगी, धन आने के अनेक और स्रोत बन रहे हैं, व्यापार में अचानक लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सभी अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से सावन का महीना आपके जीवन में घर पर खुशियों का माहौल बना रहेगा पूरे महीने।
जैसे मैंने बताया, संतान की तरक्की और संतान की प्राप्ति दोनों ही संभव है। रोजगार में विदेश में जाकर विशेष लाभ मिल सकता है, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी, नई नौकरी के प्राप्ति के भी योग हैं। जिस काम में हाथ डालेंगे वही काम में सफलता मिलेगी। मित्रों, इस राशि के देखिए स्टूडेंट्स को विदेश जाने का मौका मिलेगा। अविवाहितों के शादी होने के योग अच्छे अवसर मिल रहे हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको ये सावन का महीना बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रिय मिलने वाला। भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि मिलने वाली है सावन के महीने में। तो विशेष रूप से विदेश से नौकरी, विदेश से लाभ, अपने विदेश जाने का सपना देखा है तो पूरा हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई के लिए भी या व्यापार के लिए भी जो विद्यार्थी सपना देख रहा है उनका सपना पूरा होगा। तो देखिए, ये राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए बहुत विशेष योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति सावन के महीने में संकट से मुक्ति मिलेगी, आय के साधनों में वृद्धि होगी। और देखिए, जो अवली राशि बताऊंगा मैं, उस राशि के बारे में बताऊं, इस राशि के जातकों को बहुत ख़ास तौर से ये शनि की प्रिय राशि है, तो इस महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा हो रही है। सावन के महीने में तो विशेष रूप से पड़ने वाली ये जो सोमवार से सोमवार, और इसमें जो व्रत रखेंगे आप सोमवार भगवान शिव का उपासना करेंगे तो विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। इस राशि के वालों को विदेश में पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो पूरा हो जाएगा। आपका इस समय सब सपना पूरा हो सकता है। यदि कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो भी सफलता मिलेगी आपको। कोर्ट कचहरी के मामलों में छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं का शत्रु बार भी भागा नहीं कर सकेंगे आपको। रोड ऋण से मुक्ति मिलेगी। आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि होगी और धार्मिक कार्यों में आप जबरदस्त योग से योग लेंगे, दान भाग रहेंगे। आपके लिए भगवान शिव की कृपा से सावन के महीने में बन रही सुख साधनों की वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा। यानी इस राशि का मैं नाम बताऊँगा, इस राशि के जातकों के भाग्य खुल रहे हैं और सावन के पावन महीने में खासी माता लक्ष्मी की, भोलेनाथ की कृपा हो रही है। सब संकट के बादल दूर हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा का इजाफा होगा, मानसिक स्थिति शांतिपूर्ण रहेगी और देखिए आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। ये राशि है जो भगवान शिव को भी प्रिय है और शनि को प्रिय की राशि तुला राशि। तुला राशि वाले ये महीना सावन का महीना विशेष लाभदायक हो रहा है। अब देखिए अगली राशि, एक और बताऊं मैं, इस राशि के जातकों को सावन का महीना अच्छा रहने वाला है। इस राशि के जातकों को भोलेनाथ की कृपा विशेष सावन के महीने मिलेगी, 22 जुलाई से 19 अगस्त तक। यानी इसकी वजह से आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा, विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, विदेश में नौकरी करने का मौका मिलेगा, विदेश में व्यापार करने का मौका मिलेगा। अब विदेश जाना कोई सपना नहीं रहेगा, आपका यह सपना पूरा हो जाएगा। या कोर्ट कचहरी के मामले में आप कोई जूझ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं तो वो भी सफलता मिलेगी आपको और बहुत से मामलों में छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, आपको आपकी रुचि के अनुसार धार्मिक कार्य में, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे या बढ़ चढ़ करेंगे और अचानक से धन का जबरदस्त प्राप्त करने का योग है। माता लक्ष्मी की कृपा से सावन के महीने में आपको चारों तरफ से धन का लाभ होगा, यानी बहुत से सोर्सों से। किसी भी कार्य में आपको यात्रा ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, उसमें भी लाभ होगा। यात्रा लाभदायक साबित होंगी, उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ पहुँच सकता है। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, आपके बुजुर्ग लोग बहुत आपकी प्रशंसा करेंगे, मित्रता से बात होगी। साथ ही साथ देखिए, आपके राशि के लोगों को अगर मकान खरीदना है या मकान खरीदने का सपना देख रहे हैं, गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं, वो पूरा हो सकता है, इसके भी शुभ योग बन रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस माह में आर्थिक संकट दूर होंगे, बंगला गाड़ी मकान सब मिलेगा। तो सावन का पावन महीना है तो बहुत ही खास होने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके लिए सावन का महीना बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, भरपूर लाभ वाला साबित होगा। खुश नसीब और भाग्यशाली, ये खुश नसीब भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि की भगवान शिव की विशेष कृपा मिल रही है। भगवान शिव पर आप देखिए, भगवान शिव की आराधना करिए,
लौंग चढ़ाइए, लौंग का जोड़ा चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जलाभिषेक कीजिए, तो इस राशि वालों को बहुत विशेष खुशी मिलेगी और बाहर से कोई संवाद समाचार आ सकता है, खुशखबरी आ सकती है, इससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये राशि जो है बहुत ज़्यादा विशेष लाभ दे रही है। ये राशि, ये मैंने जो राशियाँ बताई, इन राशियों को भगवान शिव की, माता लक्ष्मी की सावन के महीने में विशेष कृपा मिल रही है मित्रों। तो सावन का महीना यानी 22 जुलाई से शुरू होने वाला और 19 अगस्त तक, जो कि सोमवार से सोमवार चलेगा, विशेष लाभ मिल रहा है मित्रों। तो मैं मित्रों अभी यहाँ पर देखिए विराम लेता हूँ, आगे आऊँगा तो फिर कुछ और चर्चा करूँगा। अभी नमस्कार।